हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक रेसिपी। जैसे कुछ भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, लेकिन आप जिम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप मीठा नहीं खा सकते, लेकिन ये गुड़ और कॉर्नफ्लेक्स से बना रहे हैं, जैसे आपके प्रोटीन बार्स बने होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ईजी है, आप घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप कॉर्नफ्लेक्स और 1 कप यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़, और साथ में मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और जिम के लिए या फिर आप डाइट पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं खाने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है। तो अभी इसके अंदर जो हमने 1 कप गुड़ लिया था वो तोड़ कर ले लिया है, वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और साथ में इसके अंदर हम थोड़ा सा करेंगे हम वाटर ऐड, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। लगभग यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून गुड़ के अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर हल्का हल्का सा यहाँ पर गुड़ मेल्ट होने लगा है, इसको अच्छे से पूरा मेल्ट कर लेंगे और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, जैसे कि हम गजक बनाते हैं उस तरीके का। जब इसमें हल्का सा एक तार आ जाएगा तो एक तार की चाशनी होने तक हम इसको पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो गया है और ये पकने लगा है, और हमारी यहाँ पे जो फ्लेम है वो हमने स्लो ही रखी है, यानी कि एकदम लो फ्लेम पे रखा है। एक बार हम चेक करेंगे गुड़ की चाशनी को कैसी होगी। तो एक हम यहाँ पर पानी का बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स डाल के देखेंगे और देखेंगे अगर ये चिपक रहा है तो यानी कि अभी ये रेडी नहीं है, ये इस तरीके से खिंच रहा है तो ये अभी रेडी नहीं है। जब हल्का सा ये हार्ड हो जाएगा उस समय ये रेडी हो जाएगा। तो इसे हल्का सा और पकाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे गुड़ को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा एक पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम कटोरी में पानी में डालेंगे और उसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और हम देखेंगे वो हल्का सा हार्ड होना चाहिए, ऐसा डाले तो गिरना चाहिए, नीचे डूब जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुड़ को कर देंगे बंद, गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करेंगे कॉर्नफ्लेक्स ऐड करने से पहले। तो चलाएंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर ये बबल्स बैठ गए हैं, अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर देंगे एक और यहाँ पे साथ में दो, इसको इसके अंदर कोट करेंगे